मस्जिद में क्या हो रहा है। इनके मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता है, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, चाहे छोटी बच्चियाँ जाए, चाहे जवान बच्चियाँ जाए, चाहे बूढ़े जाए, हमारे मंदिर में ऐसा नहीं है। हमें माँ की तरह पूजा जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी हो, सम्मान होता है। कोई भी जाए, चाहे हिंदू जाए, चाहे मस्जिद के मौलवी होते हैं वो भी कोई साफ सुथरे नहीं होते हैं, वो 9-9 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, इतने इतने बच्चे होते हैं इनके। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिंदा रहो पंजाब रियल टीवी। मैं थोड़ा दोस्त अमित सिंह, मैं दिलप्रीत कौर, सत श्री अकाल। सो अज की जी वीडियो वा वह एक सेंसिटिव टॉपिक आ, जिदा कि आप एक पहला वीडियो देखी सी, मैं देखी सी इन्हों, तो वह वीडियो इदा सगा कि जो मुस्लिम औरतों ने उन्होंने जो नमाज उन्होंने पढ़नी है मस्जिद में जाके पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, तो अज का टॉपिक। हाँ जी बिल्कुल यही है, मतलब पढ़ क्यों नहीं सकती हाँ, असं ये जानना चाहते डिटेल विच, डिटेल विच बिल्कुल, नाले औरतों के मतलब हक विच ही हाँ, मतलब उन्होंने वीडियो देख के। एंड उदन मैं अपनी भैनों तो काफ़ी यह क्वेश्चन पूछा सी, तो बड़िया भैनों के कमेंट आए कि असी नमाज इस करके नहीं ज़्यादा पढ़ जाए क्योंकि बच्चे होंगे है, ऑल दैट, जां अली मिर्ज़ा साहब ने जो आपको रीज़न दिते से कि कैमराज यूज़ करते कोई गलत वरतों कर सकता वीडियोज़ बना के, मतलब उन्होंने इदा के जोड़े रीज़न दिते से। लेकिन अज की वीडियो देखते हैं कि ये की वक्र है, डॉक्टर जाकिर नायक साहब की ये बारे फरमाते हैं। सो वीडियो सारे जने जरूर देखियो, ठीक है, शुरू तो लेके एंड तक, तो आज करते हैं वीडियो शुरू। हाँ, मस्जिद में क्या हो रहा है, इनके मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता है, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, चाहे छोटी बच्चियाँ जाए, चाहे जवान बच्चियाँ जाए, चाहे बूढ़े जाए, हमारे मंदिर में ऐसा नहीं है। हमें माँ की तरह पूजा जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी हो, सम्मान होता है। कोई भी जाए, चाहे हिंदू जाए, मैं लोनी में रहती हूँ, मैं लोनी में रहती हूँ, डियाला बंकुर बिहार में रहती हूँ, वहाँ महाकाल की मंदिर है, वहाँ पे मुसलमान औरतें जाती हैं, अपनी मन्नतें मांगती हैं, शादी का कार्ड चढ़ाने जाती हैं, पुजारी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके मंदिर जो मस्जिद के मौलवी होते हैं वो भी कोई साफ सुथरे नहीं होते हैं, वो 9-9 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, इतने इतने बच्चे होते हैं इनके, तो वो अपने आप को नहीं देख रहे, बस दूसरों के धर्म को टारगेट करते हैं। जो गलत है उस पर बात करनी चाहिए, किसी के धर्म पे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, बस ये कहना चाहूंगी मैं। इन्होंने आप भी मेरे ख्याल धर्म ने टारगेट किया मौलविया, क्या कि वह एक इंडिविजुअल परसनैलिटी होगी ना, हर एक बंदे है, जे कोई पंडित की गल हो रही है कि वह इदा का ज मौलवी है, तो उन्होंने परसनल लाइफ है ना, धर्म का तो कोई, क्योंकि इन्होंने धर्म शायद धर्म मतलब यही चीज हैगी कि हाँ ब्याह कर सकते हैं, मतलब ओ तो चलो मतलब अगे जाके मान लो चार ब्याह हुए है तो छोटी कुड़ी मिलेगी ब्याह करने वास्ते। एनीवेज अगे देखते हैं कि इहदे ते डॉक्टर जाकिर नायक की जवाब दे रहे हैं। मैं डॉक्टर अर्जुन दास सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई बातों पर कैसे न चलें। क्या बात है, इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल, गुड पॉइंट, आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूकात हासिल हैं और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर किसी पेपर में, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है, वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती। अच्छा, मैं इतने एक गल ना ऐड करना चाहूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो जी मैं अली मिर्जा साहब देखी सी ना, उन्होंने कहा कि जो मुहम्मद साहब सके उन्होंने कितने भी कदी जा कुरान विच भी कितने भी मना नहीं किया गया औरतों कि तुसी नमाज मतलब मस्जिद में जाके नहीं पढ़नी। वो कहें भी तुसी पढ़ सकते हो लेकिन बेहतर है कि जे तुसी घर च पढ़ो, है ना, नाल एक इंसैप्शन देते पर मना नहीं गा।
अगे देखते हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, हाँ। और मेरी तारीफ की, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहु तआला की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ का देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है, तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है। जाकिर नायक इस्लाम में जीरो है, जीरो जीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ कुरान मजीद का हवाला, सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में जीरो है, वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। सही है, नो ईगो नो एटीट्यूड। आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूँ अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं, तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि खवातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो जीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में, अगर हवाला देंगे तो इसका वजन है, वजन है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ अभी तक के सही है, कोई भी मज़हब को देखने के लिए मज़हब के मानने वाले इससे बदले मज़हब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मज़हब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की ज़िंदगी को देख के अमल करना है, तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर ख़वातीन और मर्द के हुकूक़ एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। सही है। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप ख़वातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुबहाना व ताला की बंदियां जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि ख़वातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज़्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई ममालिक जा चुका हूँ, वहाँ ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। लेकिन जब ख़वातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। ख़वातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की ममानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज़ पढ़ते तो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द ख़वातीन के कंधे से कंधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज़्यादा ख़वातीन को तवज्जो देगा। तो ख़वातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतज़ाम है, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, बराबर अच्छा इंतज़ाम लेकिन अलहदा। वज़ू के लिए जगह अलग, नमाज़ पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर ख़वातीन आ सकते, लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में
उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं सही मुस्लिम, जहाँ ख़वातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ख़वातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको रात को भी। ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ ख़वातीन को आने की इजाज़त है। बम्बई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में ख़वातीन को आने की इजाज़त दी जा रही। और मेरी दरख्वास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज़ है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर ख़वातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतज़ाम होना चाहिए, ख़वातीन कम आती तो, लेकिन इंतज़ाम होना ज़रूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। सो गाइज, ये सी आई एक वीडियो जिदे आप देखा कि डॉक्टर जाकर ना एक साफ शब्दों दस रही है कि कुरान के इदा का कहीं भी मना नहीं किया गया कि जो औरतें हैं, जो लेडीज़ है, वो मस्जिद में नहीं जा सकती, पर हिंदुस्तान इदा क्यों है, मैनू उनकी समझ नहीं आ रही। मतलब सारे पास जाते उ, मतलब बाकी कंट्रीज दे विच कह रहे हैं जिदा पाकिस्तान या साउदी अरेबिया वगैरह, उधर मतलब ईजीली सारिया लेडीज़ है जो मस्जिद में जाके नमाज अदा कर दी हैं। हाँ जी, मक्का विच मतलब देखे नहीं ना लेडीज़ वगैरह नहीं होंगे उत्थे भी होंगे। हाँ जी, मैं वेखिया नहीं आम। चलो वधिया, चलो इतने पता नहीं क्यों फिर इधर अलाउ क्यों नहीं करते, फिर इधर भी करनी चाहिए अलाउ जो ताड़े कुरान विच ही नहीं लिखा हुआ। हाँ तो फिर इदा इंडिया के जो मुस्लिम्स आ उन्हों का इदा मनना क्यों आ, एक आई थिंक काफ़ी वड्डा टॉपिक है मे बी, तो इदा क्यों आ, मतलब यदा सानू आंसर जरूर दो जेकर कोई इंडिया तो देख रहा। तो इंडिया के जेडे इदा के वाद विवाद ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लाइक जिम्मे हम पहला आप वीडियो देखी सी, जो लेडी सी वो बोल रही थी, कमेंट कर रही थी हिंदू मुस्लिम वाद विवाद जिदा जोड़ा पैदा किया जाता। एज अ सिख असी यही गल करना चाहवागे कि ये चीज़ा नहीं करनिया चाहिए, क्योंकि जोड़ा भी मज़हब है जोड़ा भी धर्म आ सबनों खुल के जीन की आज़ादी होनी चाहिए, तो एक दूजे की रिस्पैक्ट करो। मतलब कुड़ी दी एक गल मैनूं वधिया लगी, उह कहिंदी हाँ इदां क्यों करदे आ, उहने सवाल उठाया इदां नहीं दा, इह नहीं हाँ भी उधर भी गलत है ते इधर भी कोई गलत हो सकदा, इह नहीं गा भी हाँ नहीं गई कोई चंगा ते चंगा भी होऊगा ही, इह नहीं गा भी हाँ आन दिया करो। मतलब हाँ मतलब कुड़ी दा कहिण दा इह तरीका सी नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, उह उहनां दी क्योंकि इदां क्यों बणी आ गल, क्यों दिमाग च इदां गल आई जी, क्योंकि उहनां ने इदां कहा ना कि भी जेकर औरत कोई मस्जिद दे विच आ के मर्द नूं देखेगी तां उहदी नीत माड़ी हो जाऊगी जां मर्द दी नीत माड़ी हो जाऊगी, है ना। क्यों ये मेरे ख्याल इंडियन जो मुस्लिम है ना, ज इंडियन जो संप्रदावान मुस्लिम दियाँ उन्होंने ही यह गलती है कि वह इदा चीज़ क्यों उन्होंने की थी कि मस्जिद में आने मना किया, जिद जे गैर मुस्लिम है चाहे हिंदू है क्रिश्चन है सिख है ईसाई है ना, मतलब जो गैर मुस्लिम आ उन्होंने मन च तो सेम चीज़ आऊगी है ना, आऊगी उन्होंने मन बिल्कुल आऊगी, उन्होंने कि मना क्यों है भी इन्ना क कंट्रोल तो हर बंदे ते है, इदा गुरु घर में आके तो नहीं कोई इदा करेगा। एंड डॉक्टर जाकर नायक की गल भी सही है कि हाँ एक अलग जरा बंदोबस्त किया जाना चाहिए। हाँ जी, भी इदा जिम्मे गुरुद्वारा साहब इदा बिठाते इधर जेंट्स बिठा देंगे इतने लेडीज बिठा देंगे उदा कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट इदा नहीं ना भी किसी आन की इजाजत ना, तो कोई मतलब आप जिम्मे गुरुद्वारा साहब असं जाने तो सुकून मिलता है उन्होंने, कि सुकून मिलेगा जो घर जाके मतलब घर बह के नहीं मिलना सुकून। आई थिंक काफ़ी सारिया जो लेडीज तरस दियाँ होनी कि असं भी तो मैनू एक होर गल याद आई, एक वीडियो देखी सी कहते भी साउदी अरेबिया के जदों कोई नमाज का टाइम होंगे ना उदों उतों के लोग इन्ने डेडिकेशन वाले है कि चाहे गाहक है चाहे दुकानदार है उन्होंने अपने काम छड़ के उत्थे चटाइयां विछा के उन्होंने नमाज अदा करनी शुरू कर देनी है। वेखी आपां वीडियो बहुत मतलब वो वधिया चीज लगी सी है ना, तो मैनू लगता शायद इंडिया ते पाकिस्तान दे विच थोड़ियां हजे कॉम्प्लीकेशनस है इन्हां चीज़ों नूं लैके, पता नहीं अपना शुरू तो ही लोगों के सुभा इदा दे आ मल्टी कल्चर रहा है उहदे करके वाद विवाद जिहड़े बने रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये जिदा हूँ एक गल वो कुड़ी ने स्टार्टिंग कही कि इदा नीत माड़ी ऑल दैट है ना, तो वो मतलब एक गलत इमेज गई है इस्लाम की है ना, हालांकि इस्लाम के कहते कुरान के यह लिखे ही नहीं गा कि मतलब कि औरत नहीं जा सकती मस्जिद। सो ये जड़िया मुस्लिम कम्यूनिटीज़ है जो इंडिया के साड़िया उन्होंने चाहिए कि इस चीज़ को क्लीयर आउट किया जाए। हूँ आप दो जे मेन स्कॉलरस है डॉक्टर जाकर नायक तो इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा साहब, दोनों की आप गल सुन ली तो दोनों ने कहा कि कुरान के भी कितने नहीं लिखा, तो फिर तो मेरे ख्याल अलाउड होना चाहिए। बाकी तुम्हें की लगता सानू कमेंट करके दसो, एंड होर वीडियोज़ देखने अपने चैनल में सबसक्राइब करो, तो जाने तो पहला
लाइक जरूर ठोक्यो, शेयर करो वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं तुम किसी और वीडियो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।